चूचू टीवी सुनो कहानियाँ। एक दिन की बात है, चूचू की टीचर मिस डॉर्थी बच्चों को जानवरों के घरों के बारे में पढ़ा रही थी। चिड़ियों के घर को कहते हैं घोंसला। मधुमक्खी रहती है छत्ते में और खरगोश जिस घर में रहते हैं उन्हें कहते हैं बिल। क्लास के सभी बच्चों को पढ़ने में मजा आ रहा था और चूचू को ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि जानवरों के भी घर होते हैं। उस दिन जब वो स्कूल से घर जा रही थी तो चूचू एक पार्क से गुजरी और उसने एक छोटे से खरगोश को वहाँ कूदते हुए देखा। वाह, एक खरगोश! काश ये मेरे साथ खेल सकता। चूचू ने खरगोश का पीछा किया। हेलो नन्हे खरगोश, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? मेरा नाम चूचू है। पर वो खरगोश चूचू को देखकर डर गया और वो भागकर अपने बिल में चला गया। हाँ? चूचू ने खरगोश के बिल के बाहर काफी देर तक इंतजार किया लेकिन खरगोश बाहर नहीं आया। हाँ, मुझे अब घर चले जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये खरगोश मुझसे दोस्ती करना चाहता है। जब चूचू घर पहुँची तो उसने अपनी माँ को बताया कि उसके साथ क्या हुआ। माम, वो खरगोश बाहर निकला ही नहीं जबकि मैंने तो उसके लिए बहुत देर तक इंतजार किया। वो खरगोश जरूर तुमसे डर रहा होगा चूचू। हाँ, मुझसे डर रहा था, पर मैं तो उसकी दोस्त बनना चाहती थी। चूचू, अगर तुम उस खरगोश की दोस्त बनना चाहती हो तो सबसे पहले उसका भरोसा जीतना होगा ताकि वो जान जाए कि तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगी। हाँ? अगले दिन स्कूल में चूचू ने मिस डॉर्थी को खरगोश के बारे में बताया। मैं उस खरगोश का विश्वास कैसे जीतूं और फिर उसकी दोस्त बन सकूं मिस डॉर्थी? मेरे पास एक आइडिया है चूचू, हम उस पार्क में एक पिकनिक करेंगे। हो सकता है वो खरगोश हमें देखने के लिए बाहर आ जाए और अगर वो ऐसा करता है तो हम उसे सुरक्षित महसूस कराएंगे और उसे दिखा देंगे कि हमसे उसे कोई खतरा नहीं। तो मिस डॉर्थी सभी बच्चों को पिकनिक के लिए पार्क में ले गईं। सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे। कितना मजा आएगा हमें खरगोश के साथ खेलकर, हम भी उसके साथ कूदेंगे। बच्चों, मैं देख सकती हूँ कि आप सब बहुत उत्साहित हो, पर अगर आप सब जोर जोर से बात करेंगे तो खरगोश डर के भाग जाएगा। चलो सब धीरे से बोलने की कोशिश करें और आराम से रहें। चूचू ने सभी को दिखाया कि खरगोश का बिल कहाँ था। ये है खरगोश का बिल। मिस डॉर्थी अपने साथ थोड़ी गाजर और सलाद के पत्ते लेकर आई थी। उन्होंने ये सब खरगोश के बिल के बाहर रख दिया। ये सब खरगोश के लिए है, उन्हें गाजरें और सलाद के पत्ते खाना पसंद है। सभी ने चुपचाप और आराम से इंतजार किया। थोड़ी देर के बाद वो खरगोश बिल से बाहर निकल आया। उसने गाजर और सलाद के पत्ते देखे और उन्हें खाने के लिए बाहर आया। चूचू, मिस डॉर्थी और बाकी बच्चे खरगोश को चुपचाप देख रहे थे और थोड़ी देर बाद खरगोश उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा। उसने सुरक्षित महसूस किया और ये जाना कि बच्चे सिर्फ उसके दोस्त बनना चाहते थे। बहुत जल्द वो बच्चों के आसपास कूदने लगा। उसने तो चूचू और बाकी बच्चों को अपने आप को छूने भी दिया।
बच्चे उस खरगोश के साथ खेलकर बहुत खुश थे। धन्यवाद मिस डॉर्थी, खरगोश के साथ खेलने में बहुत मजा आया और खरगोश भी हमारा दोस्त बन के बहुत खुश लग रहा है। हाँ चूचू, खरगोश वाकई खुश लग रहा है। तुमने इसका विश्वास जीत लिया और इसलिए उस खरगोश ने तुम्हें अपना दोस्त चुन लिया। चूचू और उसके दोस्त बहुत खुश थे क्योंकि मिस डॉर्थी ने उन्हें नए दोस्त बनाने का बढ़िया सा तरीका जो बता दिया था। एक खूबसूरत और सुहाना दिन था। चूचू बगीचे में खेल रही थी। उसने वहाँ एक शर्मीली सी बिल्ली को देखा। वो बिल्ली एक बॉल से खेल रही थी। खुशी के मारे चूचू ने अपनी लाल बॉल को बिल्ली की तरफ फेंका। हेलो प्यारी बिल्ली, क्या तुम इस बॉल से मेरे साथ खेलोगी? ये बॉल बहुत उछलती है। बिल्ली बहुत खुश हुई। उस बिल्ली को बॉल से खेलकर बड़ा मजा आया, पर तभी बॉल लुढ़क कर कटीली झाड़ियों में चली गई और किसी को नहीं मिली। अरे नहीं, बॉल तो झाड़ी में चली गई, हमें उससे खेलने में कितना मजा आ रहा था। तभी वहाँ चाचा आ गया। उसके पास एक प्यारी सी पीली बॉल थी। ये लो किटी, तुम इस बॉल से खेल सकती हो। चाचा ने साथ खेलने के लिए अपनी बॉल बिल्ली की ओर फेंकी और सभी को फिर से बहुत मजा आने लगा। लेकिन फिर चाचा की बॉल लुढ़क कर कीचड़ वाले गड्ढे में चली गई। ओ-ओ। तो चूचू दूसरी बॉल ले आई। वो गहरे नीले रंग की थी। चूचू ने वो बॉल बिल्ली को खेलने के लिए दी। किटी, तुम इस बॉल से खेल सकती हो। जैसे ही बिल्ली ने नीली बॉल से खेलना शुरू किया, एक मस्त मौला नन्हा पपी दौड़ता हुआ बगीचे में आया। पपी ने वो नीली बॉल देख ली और तब सब हैरान रह गए जब उसने बॉल उठाई। बेचारी बिल्ली फिर उदास हो गई। तब चीका उस बगीचे में पहुंचा। उसके हाथों में एक चमकती हुई सफेद बॉल थी। किटी, ये लो दूसरा बॉल, तुम इससे खेल सकती हो। चीका की बॉल पाकर वो बिल्ली फिर से खुश हो गई। लेकिन फिर एक मतलबी दिखने वाली एक बिल्ली बगीचे में आ धमकी। उस मतलबी बिल्ली ने सफेद बॉल ले ली। बेचारी बिल्ली फिर से उदास हो गई। तभी सब हैरान हुए। वो पपी लौट आया और वो बॉल बिल्ली को वापस कर दी। देखो, ये पपी भी हमारे साथ खेलना चाहता है ताकि हम सब खुश रहें। ये तो बहुत अच्छा है। क्योंकि बॉल वापस करके पपी ने अच्छा काम किया था, इसलिए चीकू ने अपनी हरी बॉल उसे दे दी। चूचू, चाचा, चीका, चीकू और उस बिल्ली ने उस पपी को अपने साथ खेलने के लिए बुलाया। सब एक साथ मिलकर खेले और अच्छा वक्त बिताया। चीजें बांटने से सब कुछ मजेदार हो जाता है।